एकादशी माघ शुक्ल पक्ष एकादशी 12 फरवरी का पंचांग, तो 27 घटे 44 पल दिन मान हो गया। तो दिन का मान मैंने एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो दिन होता है वो आपको 11 घंटा से बड़ा हो गया, और रात जो हुआ सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के बीच के मध्य का टाइम रात्रि में गिनती होता है, जो कि आपको 13 घंटा से कुछ अब कम गया। शनिवार का मान आपको 2400 घंटा रह जाएगा एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय तक, परंतु एकादशी तिथि का मान शाम 3:56 में 4 बजे के पहले तक रहेगा। आद्रा नक्षत्र आज का समस्त है, मैं तो पूरा 2400 घंटा आद्रा नक्षत्र रहेगा। तो आद्रा नक्षत्र कल है भोर से आ गया है, सुबह से चल रहा है और कल तक रहेगा, 24 घंटा ज़्यादा है, तो 24 घंटा आद्रा नक्षत्र हुआ। आद्रा नक्षत्र जो है सो सांपों का प्रिय ग्रह है, नक्षत्र है, यानी कि काल सब दोष का शांति का उपाय करिए, या सर्प सिद्धि जो होता है वो सब कर सकते हैं। विष्कुंभ योग है तो विष्कुंभ योग खराबे होता है, शनिवार खराबे आद्रा नक्षत्र लगभग उसी तरह का है, तो उस तरह के क्रियाकलाप करने के लिहाज खूब शुभ दिन बनेगा। तिथि एकादशी है तो ये शुभ काम के लिए शुभ है, अशुभ के लिए एकादशी तिथि शुभ नहीं होता है। विष्कुंभ योग का मतलब होता है कि विष से भरा हुआ घर, तो उसका क्या परिणाम होगा खुद समझ लीजिए। और योग जो हुआ विष्कुंभ योग सो रात्रि 8:39 तक रहेगा, महावीर पंचांग काशी बनारस। विष्कुंभ योग है और बब योग हो जाएगा, वज्र योग आ जाएगा, तो वज्र योग कुछ काम के लिए सिद्ध है, कुछ के लिए अशुभ होता है, मिला जुला के ठीक है। अंग्रेजी आपको 12 तारीख द्वादशी 12 हो गया, और फसली तारीख आपको 26 खदविंशति 26 हो गया, और सूर्य के अनुसार दिनांक तारीख जो है सो 29 हो गया, 29 और 23 आपको 23 आपको हो गया राष्ट्रीय। मिथुन राशि का चंद्रमा आपको दिन रात रहेगा 2400 घंटा, मिथुन राशि का चंद्रमा आपको पश्चिम दिशा में होगा, तो पश्चिम और दक्षिण की यात्रा सुकारी है और दिशा सूर्य नहीं है। सूर्योदय 6:27 पर होगा सुबह में, और 5:33 शाम में सूर्यास्त होगा। भद्रा आपको शाम में 3:56 पर खत्म हो जाएगा, आज कल से चालू था। जया एकादशी व्रतम सर्वेशम, मैं जया नाम के एकादशी व्रत जो है स्वाद होगा, और सर्वेशम कहने का मतलब सबके लिए हो गया, सर्वेशम का मतलब होता है सबके लिए, माने एकादशी दो प्रकार का होता है, वो साधु संत के लिए होता है, वो गृहस्थ के लिए होता है, बाल बच्चेदार लोग के लिए, एक कामना सहित एक कामना रहित, तो का दोनों के लिए आज ही एकादशी का मान हो गया, गृह साधु सबके लिए। भैमी एकादशी आज ही हुआ, मृत्युबान आपको सुबह 7:10 तक रहेगा, जो कल सुबह 7:31 से चालू था, जो आज सुबह 7:10 तक मृत्युबान लगभग 24 घंटे था, आज समाप्त हो जाएगा। यही आज का पंचांग हुआ, तो लाइक करिए, दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर करिए, उस कमेंट कीजिए, नीचे शुरू करके सब्सक्राइब से गुलाबी लाल रंग के होगा उसको छू के काला कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, इससे आप हमसे जुड़ गए, अरे काला है तो छोड़ दीजिए।